गैस कर सकते हो आप कौन सी लोकेशन पे हम पहुंचे हुए हैं। द लोकेशन इज चंपावत तिलोन, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा हाई डिमांड वीडियो रही है। यार इस पे मेरा आने का बहुत मन था, पता है। तो आज मतलब वो जो अंदर से जो काला काला मकान दिख रहा है ना, मुझे वो देख के देख के ही फील आ गई थी। तो भाई ठंड बहुत तगड़ी है, देखो बर्फ़ भी गिरी हुई है हल्की फुल्की यहाँ पे, बाकी जगह पे ज़्यादा थी बट यहाँ पे थोड़ी कम है, बट स्टिल ठंड बहुत ज़्यादा है। तो देर ना करते हुए चलते हैं लोकेशन पे और बनाते हैं आपके लिए एक इंडस्ट्रीज का रिव्यू। गाड़ी लॉक कर दी थी, चेक कर ली। अब यहाँ से उतरना भी। नदी नहर कहाँ जा रही है इसके नीचे? बर्फ अभी गिरी है, पहले की थी ये। तो भाई यहाँ पे जानवरों का भी खतरा है। ऐसा तो खतरा है भाई, पहाड़ का आगे तो जानवर खतरा हर जगह ही है। हमारे पास है ना हमारा करंट वाली डिवाइस हमने रखी हुई है फिलहाल, लेकिन वैसे जानवर हर जगह नहीं होते, बट देखो है तो पहाड़ों में, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। बट स्टिल यार जो कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रुथ रिवील कर सकें। ट्रुथ रिवील कर अब बन चुकी है बिल्कुल भाग। भाई पीछे एक बार लाइट करके देखते रहना तुम, थोड़ा सा मूवमेंट कुछ लगे क्योंकि भूत वूत का तो पता नहीं, लेकिन जानवर जरूर हो सकते हैं यहाँ पे। ये क्या पाइप आया हुआ है कोई? कैसे करते हैं पंप? देख लो भाई, घर के पीछे नहीं है, पहाड़ों के बीच में। आराम से भाई, आराम से। पहाड़ों के बीच में बिल्कुल आपको रास्ता दिख रहा होगा। रास्ता तो खैर है ही नहीं यहाँ पे। मतलब जो एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकती है ना, वो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। ये पत्थर दिख रहे हैं आपको, उसके बीच में बर्फ, और ये रास्ता जो कि कोई रास्ता नहीं है। बहुत ही ठंडा है, बाप रे। यार ये वापस चढ़ना भी तो होगा मैं। आराम से आराम से आराम से। मेरा एक्चुअली पहला ही ऐसा। इधर एक बार लाइट करके दिखाना, देखो भाई ये हाइट देखो,
मलवा है पूरा। भाई मैं तो पकड़ पकड़ के ही करता हूँ, मुझे कोई आईडिया नहीं है कि लोकेशन अभी तक। पहले क्या रास्ता हुआ करता था पूरा रास्ता बदल ना पाया था, वहाँ से डंपिंग ग्राउंड बना दिया। ये डंपिंग ग्राउंड है ना पूरा, ये पूरा डंप किया गया, जितना भी मलबा आता है ना तो ट्रक यहाँ ला के डंप कर देते हैं। तो रास्ता जो भी होगा था यहाँ से वो ख़त्म हो गया। बट ये जो इधर बना रखा है इधर तो सही लग रहा है मुझे, ये वायरिंग में पत्थर जो उलझ रहे हैं। एक बार गाड़ी से उतरता हूँ वहीं। इधर क्या पूरी खाई है नीचे? ना हाँ खाई है नीचे। नीचे देख के, नीचे देख के पत्थर हैं, पत्थर ऊपर फेंक के पहुंच गए। आराम से रो खाई है पूरी, रो गड्ढा है भाई और बर्फ भी है साथ में। इधर एक बार दिखाना, देख लो भाई आपके सामने है जो भी है, नीचे पूरी खाई है और रास्ता कोई बचा नहीं है यहाँ पे। एंटर करने का आगे से गेट देख कहाँ देखते हैं। तो मैं उतरना भी यहीं से पड़ेगा। कोई नहीं हो गया जी, क्या यहाँ पे नीचे कमरा है ना, हम तो ऊपर रहे हैं। नीचे कमरा सब लोग ब्लॉक पे क्या हो रहा बेटा, क्या कुछ काटे चुप
छुपा हुआ कुछ? ये छुपा हुआ है तो ये लोहे का। बिल्डिंग हो रही है ना, काटा है हाँ। कुछ दिख तो रही है, ये लगा हुआ है या तो कुछ छुपा ही होगा, फिर छुपा होगा या तो। देखना बिच्छू भी होते हैं, उसी का डर लग रहा है बस और कुछ नहीं। कोई यहाँ पे नहीं होंगे, वो अंदर ठंडी जगह पे होते हैं, यहाँ को ठंडा कोना कोना होगा ना, कोने कोने में होंगे। ग्राउंड है यार, मतलब इसमें कोई रहा भी था, इसमें कोई आदमी बीच हाँ पहले रहते थे लोग यहाँ पे, फिर जो इंसिडेंस हुआ उसके बाद से। तो इसका एक्सेस क्या उनके लिए हमेशा यही एक्सेस था यहाँ तक पहुँचने का? हाँ, रोड से मैंने बताया डबिंग ग्राउंड बना दिया गया वहाँ पे, वहाँ से जैसे पगड़ी कटी थी ना वहाँ पे ऊपर सोला वाली, वैसी कटी हुई थी। किसी ने काटा तो नहीं है, कुछ निशान है यहाँ पे है? वो कुछ लगा हुआ या तो लगा ही हुआ कुछ, ये लगा हुआ मुझे लग रहा है, ये जाली का ये पार्ट लगा हुआ, कुछ दिख तो नहीं रहा यहाँ पे। होता तो कीड़ा कोई होता था यहाँ पे, चुपा ही होगा। तो फिर उसके बाद में डंपिंग ग्राउंड बन गया, मतलब डंपिंग ग्राउंड बाद में बना है, पहले घर खाली हो गया था एक तरह से। हिल रहा है हैं? हिल रहा है हाँ, मिट्टी का ही हिलेगा ही। हिला मतलब नीचे कमरा भी है, नीचे कमरा है, उस साइड भी कमरा है, उसके नीचे भी कमरा है, चार कमरे हैं। तो इसमें क्या मतलब, इसमें भी रहते थे? हाँ, इस पूरे में घर में रहते थे लोग, और इस साइड पे बाहर का एरिया दिखा रहा हूँ। नीचे देखना भैया खाली, ठीक है? हाँ, क्यों रोक रहे? बाहर नहीं आएंगे यहाँ, यहाँ बाहर के हमें रजिस्ट्रेशन तुमने अंदर करनी है। बाहर आइयो, आवाज आई कुछ। जानवर तो नहीं है? आप निकालो इमेज मीटर, निकालो बैग में। हाँ बैग में है। और ये बॉटल इतनी कैसे इकट्ठी बाद में हुई है, पहले ऐसे ही था? अब लोग ने मुझे जो लोगों ने स्टोरी बताई है वो ही बताऊंगा आपको मैं, कि उन्होंने बताया कि एक पागल था, तो वो क्या करता था, रोड से जो भी बोतलें पड़ी मिलती थी ना वो सारी इकट्ठी कर लेता था यहाँ पे, उसने बहुत सारी बोतलें इकट्ठी कर रखी थी, और जो पानी मिलता था उसको, जैसे कि टॉर्च के खोखले मिले हैं, फिल्टर के खोखले हैं। भाई टॉर्च के कितने सारे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कोई कोई काम यहाँ ऐसा हुआ है शायद। मतलब ये एक अलग सी स्मेल भी है यहाँ पे, एसिड जैसी स्मेल है, किसी ने ना शायद कुछ तो जीन्स में ही है कुछ, ये तो कोई कांटा वांटा लगा होगा। इस घर में घुसने के बाद देखो ईमेल क्या कोई मौजूद है यहाँ पे, देख रहे हो? ये फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन आने लग गई। मैं जानता हूँ, है जाके देख सकता हूँ घर? हाँ हाँ जाओ, हम जानते हैं आप यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ तीसरी बार आ रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, और मकसद हमारा आपको नुकसान बचाना नहीं है, ना इस जगह को नुकसान बचाना है, इसलिए हम यहाँ दोबारा आए हैं आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए। देखो ईमेल चल रहा है, बढ़ते जा रहा है, यही भी बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि आपकी कोई हेल्प कर पाए तो हम जरूर करें आपकी हेल्प, तो बस यही एक मकसद हमारा आ जाने का, और हम कोशिश करेंगे आपसे कम्युनिकेट करने की, और आप भी कोशिश करिए कि आप बता सकें कि अगर कुछ ऐसा है जिससे हम हेल्प कर सकते हैं आपकी, तो हम जरूर करेंगे। आ रही है ना फ्लक्चुएशन? हाँ दिखाइयो,
मतलब क्या सीन है यार ये, और ये क्या जला हुआ ये पूरा? हाँ ये मतलब वो यही ईएमएफ का काम हमारा हो गया, ईएमएफ हमको मिलने लग गया, तो उसको दोबारा देखने का कोई मतलब नहीं है। कि देखो हम दो तीन बार इंस्टेंट कर चुके हैं इस जगह को, तो सीधे हम मेरे ख्याल से लेजर ग्रिड निकालते हैं और चेक करते हैं कि अगर यहाँ प्रेजेंस है, प्रेजेंट है तो लेजर ग्रिड में कुछ दिखे हमको। कहाँ पे सेट करना है इसको? इसी जगह सेट करो, ईमेल कहीं है तो है ना, वहाँ रख दो संदूक के ऊपर, वही रख दो संदूक के ऊपर, हाँ वहाँ सेट कर दो। तो अगर आप मौजूद हैं यहाँ पे तो आपकी मौजूदगी के एहसास के लिए हम ये कुछ डिवाइस लाए हैं, शायद आपको समझ में ना आए मगर अगर आप इसके आसपास से गुजरते हैं तो हम आपकी मौजूदगी का एहसास कर पाएंगे। अगर आप हैं यहाँ तो इसके आसपास गुजरें ताकि हम समझ पाएं कि आप यहाँ मौजूद हैं। वैसे मौजूदगी का एहसास हमें है आपका, तो आप एक यहाँ पे हम एविडेंस दे सकते हैं अपने होने का। नीचे को तो और बर्फ है भाई, ये पूरी इसकी छत हिल रही है भाई। और आप सर एक जगह पे इकट्ठे होते हो, वहां पे रहो आप, वहां पे रहो। उधर रूम में क्या है? उधर पीछे की साइड इस रूम में एक मंदिर टाइप का बना हुआ है छोटा सा, इनफ है मेरे ख्याल से। अगर होंगे मौजूद तो शायद जरूर किया होगा यहाँ पे प्रयास एक कि हम इस प्रेजेंस को समझ पाए। जला ले लाइट, बंद कर दे लाइट, जला दे। क्या सो गया था? रुक गया खड़े खड़े? नहीं तो ले जाने, बंद कर लो। ये उधर क्या मंदिर बनाया हुआ था इधर? हाँ, ये कुछ रखी हुई है ना घंटी से, क्या है घंटा, घंटी रखी हुई है घंटी से। पुराने जमाने में चलते थे ऐसे ही। मेरा एक बार मन है उधर जाने का देखने का। हाँ बिल्कुल जाओ। किधर? ये सर ले जाएगा, इसको बैग डाल दो। अच्छा इसका काम हो गया हमारा, मोजन सर निकाल लो एक बार बस। देखो भाई ईएमएफ तो आ चुका है और मेरे ख्याल से यहाँ पे मोजन सर एक बार ट्राई करेंगे हम लोग और कम्युनिकेशन करेंगे। मेरे ख्याल से ज़्यादा यहाँ पे डिवाइस हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस लोकेशन में पता हो कि हमें कुछ एविडेंस मिले हैं पहले भी, तो वहाँ मेरे ख्याल से कम्युनिकेट करना चाहिए डायरेक्टली। तो भाई मोशन सेंसर यहाँ प्लेस करते हैं और जब हमें लोकेशन के बारे में मालूम हो ना कि यहाँ एक्टिविटी है क्या। देखो मैं हॉन्टेड तो अभी भी नहीं कहता किसी जगह को, मैं इस जगह को भी हॉन्टेड नहीं बोलूंगा। यहाँ पे कुछ स्पिरिट्स हैं जो कि परेशान है, ठीक है, और पीस में नहीं है। मेरा मानना है उनको सिर्फ पीस चाहिए, नुकसान उन्होंने आज तक किसी को पहुंचाया नहीं है, ना आगे तक पहुंचाया है, ना कभी आज तक केस को भी हुआ। वो जो केस हुआ था उसके बाद में यहाँ पे लोग आए थे। हाँ मतलब उनकी उनकी प्रेजेंस फील होती है उनको। अब किसी को प्रेजेंस फील होती है अगर कॉमन आदमी, कॉमन मैन की बात करोगे, अगर हमको यहाँ किसी प्रेजेंस फील हो रही है, हम तो इन्वेस्टिगेटर है, हम चाहे उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उसको, लेकिन पब्लिक क्या करती है, जैसे कि गांव वाले हैं जो भी हैं वो डर के मारे दूर भागते हैं, तो इस वजह से जगह आइसोलेट हो गई। और मैं चाहता हूँ जगह आइसोलेट ना रहे, इनको मुक्ति मिले और ये जगह फिर से रनिंग में आ जाए। स्कूल बनने की बात हुई थी यहाँ पे, स्कूल का प्लान पूरा फाइनल हो गया था, मतलब स्कूल के लिए जगह फाइनल हो गई थी पूरी पूरी, तो लोगों ने बोल दिया कि हम अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे। बट स्कूल के लिए यहाँ से मतलब आने जाने रास्ता, वो रोड ये जो अभी तार वाला देखा ना आपने, ये प्रॉपर पक्का पक्का करके इसके ऊपर सीमेंट गिरता और फिर रोड बनती, ये आधा काम छोड़ दिया गया है। एक्चुअल में ये रोड बनने वाली थी, वो आधा काम छोड़ दिया गया या जो भी है, मतलब हो सकता है इसी के आसपास कहीं रास्ता बनने वाला था। हाँ, रीजन इसी की वजह से। तो यार मतलब पता नहीं बहुत ही अजीब अजीब चीजें यहाँ पे दिखी हैं हमें। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे वो मोगली वाले टाइम में फंदा नहीं होता था। हाँ मोगली या फिर क्या कुछ और है, पता नहीं कुछ फंदा टाइप का नहीं है मेरे ख्याल से। हीटर, हीटर का शायद, हीटर का। हाँ हीटर के चारों तरफ स्टैंड लगता है मिट्टी के,
मिट्टी जो हीटर होता है उसका मिट्टी का मैंने सबसे पहले एंटर करते मुझे ये लगा था कि वो वैसा फल्ला है कोई। नहीं नहीं वो नहीं। और एक चीज और दिखी थी मुझे, एक चीज ये पड़ी है हथियार टाइप का है, लास्ट टाइम हमें फील हुआ था कि शायद किसी से मतलब मर्डर किया गया है। तो भाई ये जो, और कई लोगों ने बोला कि इसके नीचे कुछ मौजूद है, तो अगर मौजूद भी है ना तो मेरे भाई ये कुछ नहीं है। देखो ये ब्लड जैसा मतलब लास्ट टाइम मतलब ज्यादा एनर्जीज होती हैं, तो हम डिटेल खुद बना लेते हैं अपने आप। तो ये ब्लड नहीं है मेरे हिसाब से, देखो अगर वहां देखोगे तो फिर तो ये सारा ब्लड होना चाहिए था। और ये क्या राख है सारी? नहीं नहीं मिट्टी है। देखो ना अगर ये ब्लड होता तो ये पूरा ब्लड होना चाहिए था। नहीं, तो नहीं, नहीं, ब्लड ये ब्लड नहीं हो सकता ना, ब्लड नहीं है। तो ये ब्लड नहीं है मेरे भाई, ये मेरे ख्याल से ये जो ऊपर से ये मकान, हाँ ये जो मकान लीपने के लिए मिट्टी इकट्ठी की जाती है ना, ये वो है। यहाँ पे फावड़ा भी पड़ा हुआ है और इसका कुछ और यूज है। इसको एक बार टच करके देखूं लोहे का, कोई दिक्कत नहीं लोहे का, लोहा भी बिल्कुल खत्म है। क्या आवाज आ रही है कुछ? नहीं नहीं कोई आवाज नहीं आ रही। और ये फावड़ा वावड़ा मतलब किस चीज के लिए रखे गए हैं ये सारे? ये यहाँ पे ना ये मिट्टी लीपने के लिए, मतलब जब स्कूल बनने की, मेरे ख्याल शायद मैं सपोज कर रहा हूँ, ये एक्चुअल स्टोरी नहीं हो सकती। जब ये यहाँ पे स्कूल पास हुआ होगा तो बंदे ने तैयारी करी होगी यहाँ पे, मिट्टी वगैरह टिकी होगी कि हाँ भाई ये काली दीवार को लिपा जाए, दोबारा रिन्यू किया जाए। ये तब की मिट्टी है और वो कोई हथियार नहीं है भाई मेरे ख्याल से, वो कोई मेरे ख्याल से कुछ वैसा लग रहा है घर पे यूज होने वाला कुछ चीज ना, खेतों में यूज होने वाला, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या ग्लास है? और इस मिट्टी में भाई कोई ब्लड नहीं है, ये हमें लास्ट टाइम जरूर लगा था। लेकिन ये रिविजिट पार्ट हम क्यों बनाते हैं? रिविजिट पार्ट बनाने का मतलब क्या है हमारा? क्लियर कर सके, जिससे क्लियर कर सके कि भाई लोग बोल रहे थे इस पट्टी में पक्का कुछ है, पक्का कुछ है, तो आप खोदो से खोदो से। इसको खोदने का मतलब कोई मतलब नहीं भाई, साफ दिख रहा है कि अब ये खोद देते हैं यार, जनता डिमांड कर रही है तो खोद दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मिट्टी में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप कहें कि पहले मोशन सेंसर लगा दो यहाँ पे। हाँ मोशन सेंसर लगा दो, मैं इधर देखता हूँ। ब्लड जैसा तो लग ही नहीं रहा यार, मुझे तो नहीं लगा एंटर करते मुझे ऐसा लगा जैसे ये वो लीपने के लिए इकट्ठा किया गया है। नहीं मुझे पता है ये आग जो जलाते है ना, आग की राख है ये, खट्टी हो गई एक जगह आग जला जला के। मैं इसकी बता रहा हूँ, ये जो है ये मेरे को लग रहा है जो ये जलाए उसके बाद बारिश वारिश होती है ना, तेज बारिश होती है, ये इसका लकड़ी का ये छूट के यहाँ पे गिर रहा है। नहीं 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 वो सब नहीं है, कि राख है। एक ही जगह इकट्ठा क्यों होता है फिर? सब जगह होता है ना, आप ये देखो ना सब जगह होता है। फिर हो सकता है यहाँ पे ज्यादा पानी गिरता हो यार, वो स्टोरी ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मिट्टी इकट्ठी इकट्ठी की गई एक जगह पे। खोद के देख लेते हैं। ये दिखाओ, ये देखो ये ब्लड तो नहीं, खाद है यार, खाद है, खाद है। गोबर और मिट्टी को मिला के लीपा जाता है हमेशा, तो ये गोबर और मिट्टी इकट्ठी की गई है मेरे हिसाब से। आप लास्ट टाइम क्या था, यहाँ चार लोग थे मेरे ख्याल से, तो चार लोगों में क्या होता है ना, लाइटर हाँ, चार लोगों में होता है कि अलग अलग माइंड, अलग अलग बातें। बिल्कुल। तो अभी हम एक तरह से मतलब समझ सकते हैं ऐसी ऐसी चीजें निकल रही है, और खोद के देखा जाए। ज्यादा खोद के भी क्या होगा, कीड़े मकोड़े निकलेंगे और क्या होगा भाई, मतलब क्या करना क्या चाह रहे थे बंदे? बहुत सामान पड़े हुए हैं घर, घर के हाउस होल्ड आइटम भी है और कबाड़ के आइटम भी है बहुत सारे। कप्स भी पड़े हैं यहाँ पे, दवाई भी है। खोदने खोद लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। दो तीन फावड़े मार के देख लो, एक गहरा फावड़ा मार के देख लो ना। ये मिट्टी लग रही है मुझे तो सारी, राख तो नहीं है। राख नहीं है, मिट्टी है खाली, वही है यार मिट्टी है। देखो ना खुद देखो, देखो खुद देखो कौन सी मिट्टी है। अब कुछ नहीं निकलेगा इसमें, ये काफी टाइट हो चुकी है। मिट्टी मिट्टी है और वो भी काफी टाइट हो चुकी है। छोड़ दो, खाली मेहनत क्यों कर रहे हो, क्यों थक रहे हो फालतू में? सोचा ही नहीं यार ये मतलब ये लोकेशन मेरे को जब से मैंने वीडियो देखे ना आपके, फीलिंग आपको 100% आ रही होगी। आप यहाँ खड़े हो, नहीं मुझे यहाँ पे ना फीलिंग ऐसी नहीं आ रही कि कोई मतलब हमें कुछ कर रहा है, लेकिन फीलिंग यहाँ पे ऐसी आ रही है सैडनेस,
सैडनेस है और जो भी बंदे यहाँ पे रुके हैं और ये जो सीन यहाँ पे क्रिएट हुए ब्लैक ब्लैक जो भी है उसके पीछे का रीजन मुझे थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लग रहा है, डाउटफुल सा। अजीब अजीब कह रहा हूँ मैं, अजीब लग रहा है मुझे। हाँ, डाउटफुल सा। सैडनेस कह सकते हैं उसको, सैडनेस कह सकते हैं उसको। और जैसा कि आप बता रहे हो, स्टोरी बता रहे हो कि पागल वागल कोई आया था यहाँ पे, उसने भी ये सारी बॉटल्स वॉटल, तो उसने भी यार मैं मतलब मेरे वो चीज समझ नहीं आ रही कि पागल भी अगर आया है तो अगर मेंटली डिसेबल है तो वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? देखो पहाड़ तो सब लोग पहुंच जाते हैं कहीं भी, पहाड़ तो वो कितने यहाँ घर नहीं होता तब भी पहुंचा था बंदा, पहुंचा था। हाँ, पहाड़ के लोग ऐसे होते हैं कि वो कहीं भी जंगल होंगे निकल जाते हैं आराम से, तो मतलब पहाड़ी होगा फिर। हाँ, पहाड़ी होगा, यही के आसपास का एरिया का ही होगा, यही के आसपास का। लेकिन वो गायब हो गया, उसका कोई आज तक सुराग नहीं मिला। और ये कब की बात है? लॉकडाउन की बात है। लॉकडाउन की बात? हाँ, लॉकडाउन की बात है। लॉकडाउन में वो यहाँ रहने लगा था शायद। स्ट्रेंज है यार। तो अगर आप मौजूद हैं, वैसे मुझे लास्ट टाइम जला नहीं था ना? नहीं, तो मैं इतने पास खड़ा था फिर भी नहीं जला भी। देखो पास जाकर जब चलते हैं हाथ फिर ना इतने एंगल पे है, मतलब हाइट पे रखा है तो उसका फायदा हो रहा है अपने को। तो स्पिरिट है वो तो एक जगह तो रहती है ना वैसे भी। इसके बाद कॉम्प्लिकेट ही करेंगे। क्या था? क्या आवाज आई मुझे? जैसे फीमेल वॉइस लगी है। क्या कोई है यहाँ पे? लगी मुझे घुटन टाइप की लग रही है। घुटन तो इसमें यार हो ही जाएगी, एक तो वो जले हुए की भी स्मेल, पर स्मेल एसिड की स्मेल आ रही है मुझे। अगर आप इस मोशन सर के पास में आ सकते हैं तो ये जल जाएगा और हमें आपकी मौजूदगी का एक तो एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी है। हाँ, पुलिस की गाड़ी। एम्बुलेंस इधर से कहाँ से? इधर तो बाढ़ है सारे। नहीं नहीं, ऊपर की आवाज़। अच्छा, वो रोड होगी ना पूरी। हाँ, अब उसने उन्होंने क्या सोचा होगा हम कहाँ गए? गाड़ी और खड़ी है ना। और कहाँ खड़ी है? गाड़ी खड़ी है ना अपनी उधर। हाँ, रोड पे। सोच रहे हो खराब वराब हो गई गाड़ी, छोड़ के चले गए ऐसे हो सकता है। खैर वो तो कुछ भी सपोज कर सकते हैं। और गाड़ी भी मेरे ख्याल से प्रपोज कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। हाँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ जानने की क्या चाहते हैं। एक बार मैं उधर जाके देखना चाहता हूँ, एक बार मेरे को देखने दो। चलो ध्यान से जाना। यहाँ से लाइट करना, अंदर जाऊं मैं? हाँ, पाऊं मत ना। देखो मंदिर वाला एरिया है ना, फिर वो पूरा मंदिर का एरिया है। मंदिर का एरिया हो गया ना, अगर कहीं एक कमरे में अगर एक घंटी ऊपर रखी है एक नीचे रखी है। हाँ, तो फिर वो मंदिर वाला एरिया हो गया एक तरह से। हाँ, तो जूते रखना गलत होगा। और एक कैन भी पड़ा है शायद, उसमें घी तेल या जो भी था। हाँ, मतलब अच्छे से दिया विया सब होता था, यहाँ प्रॉपर एक मकान था। ये देखो भाई, ये नीचे पूरी बॉटल्स वॉटल धस चुकी हैं, नीचे का एरिया भी दिख रहा है। चश्मे का फ्रेम भी है, कंघा भी है, टिफिन का भी है, ये क्या स्पीकर? लाइट 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 सॉरी। अच्छा, लाइट है। हाँ, इसके पीछे रीजन समझ नहीं आ रहा मुझे, ये सारी रैंडम चीजें क्यों इकट्ठी करी हुई है। देखो आपको क्या क्या फीलिंग्स हो रही है वो तो खैर आपकी बात है, लेकिन देखो मैं थर्ड टाइम आज आया हूँ, थर्ड टाइम यहाँ पे मैं बहुत पहले से रिलैक्स महसूस करता हूँ। घुटन हो रही है, एक मिनट होगा, थोड़ा सा बाहर एक बार देख लो। एविडेंस मिल रहा है, देखो मौजूदगी का एहसास तो ईएमएफ करा रहा है, क्योंकि ईएमएफ का यहाँ पे और कोई सोर्स नहीं आने का। नहीं, अगर जियो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे होता तो पहले भी मतलब आना चाहिए था, कई जगहों पे नहीं आया, कई जगहों पे आया वाली बात है। तो ऐसा कोई फ्लक्चुएशन वो हमारे यहाँ जो हमको जो मिल रही है वो फ्लक्चुएशन मिल रही है, हमको कांस्टेंट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो कॉम्बिनेशन करते हैं, इस कॉम्बिनेशन में देखते हैं क्या मिलता है। एक मिनट, ब्लूटूथ ऑन है मेरा। Yeah.
क्या आप मौजूद हैं यहाँ पे? क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? जैसा है ना, क्या कोई मौजूद है यहाँ पे जो हम आपसे बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे? क्या कोई मौजूद है यहाँ पे जो हमसे बात कर सकता हो? तिलौन क्यों बोला इसने? तिलौन बोला मुझे। हाँ, हम तिलौन में ही आए हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं? हमको भी ना तीन। हाँ, क्या आपने हमको गिना है? नहीं गिना से बोला। हम आपसे यहाँ जानने के लिए आए हैं, क्या हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं? क्या बोला? क्या हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं? जो भी यहाँ मौजूद है, क्या हम आपके बारे में जान सकते हैं कुछ? क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? मुंह पे मत लगाना लाइट। कोई रिप्लाई आया अब तक? कोई रिप्लाई नहीं है। नहीं, मोशन सेंसर में कुछ है ना, मोशन सेंसर में कोई त्रुटि है। बट हाँ, इस पे हमारे इनोवेटर पे थोड़ी सी एक्टिविटी हुई थी, जिसका कोई सोर्स नहीं है वैसे एक्चुअल में होने का। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं था मेरे ख्याल से। नहीं था, लेकिन फ्लक्चुएशन होना ही बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कोई बिजली का साइन नहीं है। थोड़ा बहुत भी होना बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं मोशन सर काम नहीं कर रहा, मोशन चल रहा है लेकिन कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ऐसा भी कुछ होता है कि मतलब दिन दिन की बात होती हो सकता है, अकॉर्डिंग टू स्टार साइंस बोलते हो सकता है। एनर्जीज को सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। मतलब एनर्जीज ज़्यादा मतलब कम्युनिकेट करने के लिए थोड़ी जैसे कि मतलब फुल मून होता है तो बोलते हैं कि थोड़ी सी एनर्जी। अमावस्या की रात, मैंने तो अमावस्या की रात सुना है। मेरा मानना है फुल मून अमावस्या की रात में तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, हो सकता है उस पर भी। मतलब उस पर तो डेविल पावर्स कहते हैं ना, और डेविल पावर्स मैं मानता नहीं। डेविल पावर्स होंगे अपनी जगह पर, मैं ऐसा भी नहीं कि मतलब कम्प्लीटली उसको इग्नोर कर दूं, बट जो होता होगा वो होता होगा। जो हम कोशिश कर रहे हैं रिसर्च करने की वो अलग चीज़ है। उसमें भी अगर उसका कोई एविडेंस मिलेगा तो हम उसे भी एक्सेप्ट करेंगे। मतलब जब तक एविडेंस नहीं मिलेंगे तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फिलहाल यहाँ पे एविडेंस की कमी है मेरे ख्याल से, है ना, ईएमएफ के अलावा। क्या कंक्लूड करना चाहोगे फिलहाल के लिए? मतलब अभी क्या बोलना चाहोगे, क्या फील? यहाँ पे फीलिंग तो है जो है ना, फील है। मतलब वही सैडनेस वाली मैं कहना चाहूंगा। सैडनेस मतलब अंदर एंटर करते ही, और जब से मैंने वीडियोस देखे हैं ना तब से मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि भाई मतलब जो बंदा लास्ट में यहाँ पे रहा होगा, उसने ये सब किया होगा, उसके बाद में उसकी लाइफ जो भी है डिसअपियर ही हुआ है। तो डिसअपियर होके कहाँ गया, क्या होगा उसका, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है। बाकी ऐसा कुछ अलग सा फील नहीं हुआ मुझे, अलग सा फील नहीं, हॉन्टेड टाइप का कुछ फील नहीं, हॉन्टेड नेगेटिव टाइप का फील नहीं। बाकी ये जो चीजें मुझे दिखी हैं, ये हाउस होल्ड वाली जो चीजें हैं, उसको ले देख के ऐसा भी लग रहा है कि भाई
मतलब फैमिली प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे रही भी है। हाँ, क्योंकि हसौड़ के बहुत सारे आइटम है। देखो ये कसने वाला सब कुछ है, लैंप मंदिर के अंदर घंटियां भी अभी तक पड़ी हैं, घंटियां भी पड़ी हैं, मतलब पूजा भी अच्छे से होती थी। बास्केटबॉल वाला भी पड़ा हुआ देखो, है ना, खिलौने टाइप के इकट्ठे किए होंगे यहाँ पे शायद थोड़े से। ये बॉटल्स और ये सारी चीजें तो मेरे ख्याल से बाद में वो लाया, जो बाद में लाया वो। हाँ, लेकिन हाउस होल्ड की काफी चीजें हैं। और ये नीचे क्या है, नीचे भी मतलब रहते थे या क्या है, नीचे बेसमेंट जैसा कुछ सामान वामान रखते होंगे तो अपना? एक्चुअल में वो बेसमेंट नहीं, वो ग्राउंड फ्लोर है एक्चुअल में। ले हम ऊपर टॉप फ्लोर पे, हम टॉप फ्लोर पे आए हुए, हम चढ़ के आए हैं, आपने देखा ना, हम चढ़े थे तो हम टॉप फ्लोर पे चढ़े। अच्छा, और नीचे जाने का मेरे ख्याल से रास्ता है नहीं, उधर झाड़ियां पूरी, झाड़ियां पूरी बनी हुई है। देखो दरवाजा ना यहीं से लॉक पड़ा हुआ है पूरा। अच्छा, ये दरवाजा है? हाँ शायद यहाँ पे, यहाँ साइड को भी होगा शायद दरवाजा कहीं ना कहीं, लेकिन झाड़ियां इतनी उम्मीद दिख नहीं रहा है वहाँ पे। तो क्या करना है यहाँ पे, थोड़ा टाइम दे जगह को, क्यों थोड़ा टाइम देखते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम देखते हैं और फिर एक स्पीड बॉक्स का कॉम्बिनेशन फिर से ट्राई करेंगे लास्ट टाइम, और फिर अगर कुछ नहीं आता, अगर अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आता है तो बस हम प्रे कर सकते हैं। यहाँ जो भी स्पिरिट्स हैं या एनर्जीज हैं उनके लिए हम एक प्रे कर सकते हैं भाई कि उनको टाइम से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि लगता ही है यहाँ आके फील होता है कि हाँ कोई ना कोई सैडनेस वाली फीलिंग है। वो हर बार फील हुई है, लेकिन जब एविडेंस ज्यादा थे पिछली बार तो हमें लगता कि भाई कुछ हॉन्टेड हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन पिछले तीन वीडियो पिछले भी आपने पार्ट्स में देखा होगा, कहीं भी कोई हॉन्टेड फीलिंग नहीं है, एविडेंस है, लेकिन एविडेंस होना हॉन्टेड नहीं होता मेरे भाई। स्पिरिट्स जो भी हैं, एनर्जीज जो भी हैं, वो सफर कर रही हो सकती हैं। अरुण यहाँ पे सफोकेट फील हो रहा है, ठीक है, अरुण को यहाँ सफोकेशन की फीलिंग आ रही है। अब वो क्यों आ रही है, देखो अब एसिड की स्मेल जो मैं बता रहा हूं, स्मेल की वजह से भी हो सकता है ना, तो जरूरी नहीं है स्पिरिट की वजह से हो रहा हो। नहीं, वो तो काफी चीजें पड़ी है, हो सकता है तेजाब वेजाब यूज किया हो पहले। हाँ, बट तेजाब की इतने टाइम तक तो स्मेल नहीं रहती है, नहीं रहती है। हो सकता है इन लकड़ियों की वजह से ऐसा स्मेल आ रहा हो, क्योंकि जली हुई है, जली तो बहुत जमाने से है। दीवारें भी इसकी मुझे लग रहा है खोखली हो चुकी है। एक अलग ही फीलिंग है इस जगह की, मतलब एक ये तो मुझे पहले नहीं दिखा था, ये क्या है, ताश का भी है, ताश का पत्ता है, ब्लेड भी है, ब्लेड भी है, बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या है, रिंग? नहीं, लॉक्स भी पड़े हैं यहाँ पे, लॉक्स भी पड़े। देखिए, अगर आप यहाँ मौजूद हैं कोई भी एनर्जी, परेशान नहीं करना चाहते हम आपको, बल्कि कोशिश करना चाहते हैं कि कोई हेल्प कर पाए हम आपकी। लगता है जगह को देख के कि है यहाँ पे एक सैडनेस, तो मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ रुकने का वैसे। मन मेरा भी नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, मतलब इस लोकेशन पे आगे ऐसे लग रहा है यार चलते हैं यार यहाँ से। डर की वजह से नहीं, डर की वजह से नहीं, मतलब एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया है कि नेगेटिव प्रेजेंस भी नहीं बोलूंगा, लेकिन नेगेटिव चमगादड़, 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 चमगादड़ क्या हो गया, चमगादड़ तो होने दे। ये भी मैंने सुना है चमगादड़ की प्रेजेंस भी कुछ ऐसा बताती है। देखो ये सब तो खैर मैं नहीं मानूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि यार एक जानवर है वो, ठीक है, और वो अंधेरे में रहता है, वैसे अंधेरे में रहता है वो, तो फिर यार उसको ऐसा क्यों बोलना। चित्तौड़गढ़ की सारी पूरी जो गुफा बनी हुई है उसमें कोई चमगादड़ बसे हुए हैं। चमगादड़ तो मेरे वाले वीडियो में तो देखा ही होगा। उदयपुर के पिछौला लेक झील है, उसके किनारे में सारे चमगादड़ उनके पार्क में बसे हुए हैं, तो मतलब पार्क क्या हॉन्टेड हो गया या नेगेटिव हो गया, नहीं ना पता नहीं, वो सबकी बना देते हैं उतनी बातें, जितने उतनी बातें। मोशन सेंसर भी काम नहीं करा यहाँ पे, नहीं किया, इसको रख लो आप, और एक लास्ट कॉम्बिनेशन ट्राई कर, कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं। अब लास्ट टाइम भी कुछ नहीं आया था, पेयर्स के स्पीड बॉक्सेस ट्राई करते हैं पेयर्स, और लास्ट टाइम जब आपने विजिट कराई थी ये तीन चार बारी जब भी किया है उसमें कुछ ऐसे एविडेंस आए थे, मतलब स्पिरिट बॉक्स पे आए थे। तो यार ऐसा भी तो कहते हैं ना कि हर दिन सेम नहीं होता, हर दिन सेम नहीं होता, आज यहाँ पे प्रेजेंट ना हो। अब मैं ऐसा नहीं बोल दूंगा इस जगह पे अगर कि हमको मुक्ति मिल गई होगी, देखो वो फीलिंग तो हम खुद महसूस कर पा रहे हैं ना, और अगर मुक्ति मिल गई तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। मैं तो चाहता हूँ कि मुक्ति मिल जाए, अगर आपको मुक्ति मिल जाए तो इससे अच्छी बात कोई हमारे लिए हो ही नहीं सकती। अगर आपको मुक्ति मिल चुकी है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है ना, एनवायरनमेंट मेमोरीज को स्टोर करता है, तो दैट्स व्हाई एक रीजन ये भी है यहाँ कोई एनर्जी मौजूद ना हो सकता है अभी, बट
एनवायरमेंट भी मेमोरीज को स्टोर करता है और वो सैडनेस की फीलिंग वहां रहती है। जैसे कि आप जलियावाला बाग जाओगे कभी तो वहां एक आप अलग फीलिंग लोगे। तो ऑन करते हैं। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? हाँ का जवाब आया। क्या आप अभी भी मौजूद हैं यहाँ पे? क्लियर नहीं है। वो भी क्लियर नहीं था। अगर आप मौजूद हैं तो हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे जो फैमिली थी उस फैमिली में से कोई यहाँ पे मौजूद है? ना बोला, लेकिन मैं वो रैंडम भी होता है ना। क्लियर नहीं आया तो क्लियर है, बट रैंडम हो सकता है क्योंकि आगे कोई जवाब तो पूछो, कोई एक और सवाल पूछो। और जो आखिरी में यहाँ पे बंदा रुक के गया था, क्या उसकी आत्मा यहाँ पे मौजूद है? नो नो आ रहा है, नो तो लग रहा है ना, नो लग रहा है, लेकिन फिर उसका मीनिंग क्या है? क्योंकि अगर कोई मौजूद है और वो नो बोल रहा था फिर तो मीनिंग नहीं हुआ ना उसका, तो रैंडम में उसको कंसिडर करेंगे। नो तो भी बोल रहा है। क्या आप चाहते हैं हम यहाँ रुके? तो भाई क्लियर कुछ भी नहीं है, क्लियर कुछ भी नहीं है। रैंडम रिप्लाइज को नहीं करते हम सिंपल से कंसीडर, क्योंकि मेरा वो मकसद नहीं है कि भाई जगह जबरदस्ती प्रूफ किया जाए। ठीक है, हॉन्टेड ये पहले भी नहीं थी मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे स्पिरिट की प्रेजेंस थी, ये था यहाँ पे, लेकिन हॉन्टेड पहले भी नहीं थी। बट फिलहाल ये है कि यहाँ पे प्रेजेंस तो देखो फील हो रही है हल्के से मुझे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यहाँ पे, कोई डिवाइस का नहीं, EMF हमको मिला है यहाँ पे। बट इसके अलावा पर्सनल फील थोड़ी सी है कि यहाँ सैडनेस की शायद मेमोरीज अटैच हो, शायद वहां वो फील कर पा रहे हो। मतलब मैं, पता है, मैं जितनी स्टोरी मैंने सुनी है और यहाँ पे आके जो भी ये चीजें देखी है ना, मतलब मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी मेमोरी में जाके उसको फील कर रहा हूँ। हाँ, वही वही फीलिंग चल रही है। क्या मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे प्रेजेंस वाला ऐसे मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। वो फीलिंग, वो मेमोरीज फील हो रही है। वरना एंटर करते ही मैं बता देता हूँ आपको, हर जगह मैंने बताया कि भाई यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, भाई यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। जो भी होता है मैं भाई बिल्कुल साफ साफ बता देता हूँ, भाई लगता है तो लगता है। तो भाई जो सैडनेस लग रही है, सैडनेस है वो, या तो ये जो एम्बियंट बना हुआ है इसका, इस वजह से भी हो सकता है, जो स्टोरीज है तो कई जगह ढाबों में सज्जली रहती पूरी, बट ऐसे भी होती है। नहीं नहीं ज्यादा है, ज्यादा है वैसे ही, लेकिन फिर भी जो भी, लेकिन फिलहाल उसको वही है, जज नहीं कर सकते। EMF के बेस पे तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि एनर्जी की प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है अभी, और अगर मौजूद भी है तो मेरे ख्याल से जहां भी है वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहती, ये कम्युनिकेट नहीं हो रहा हमारा। मुझे अभी कुछ क्या हुआ, हम हाइट पे कितना है यहाँ पे, हाइट कितनी होगी? हाइट काफी है, उस वजह से भी हो सकता है। हाइट काफी है, यहाँ से बहुत नीचे है जो अपने ऊंचाई पे वो होता है, एकदम से बंद खुल हुआ है ना, एकदम से बंद हो जाते हैं। तो फिलहाल क्या क्या कहते हो, चले फिर यहाँ से? चलते हैं फिर यहाँ पे। अभी कुछ ऐसा एविडेंस मुझे लग नहीं रहा है, एविडेंस भी नहीं आया है एक्चुअल में, एविडेंस भी नहीं आया कोई। एक EMF है, उसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है। EMF है तो जो भी है आपके सामने ही है, सच दिखाना हमारा काम है और सच को रिप्रेजेंट करना ही हमारा चैनल का मकसद है। तो बार बार लोकेशंस पे आने का भी यही है कि भाई यही रीजन था। देखो इस लोकेशन में बार बार आने का रीजन भी यही था कि अनलेस वो क्लियर होती है नहीं होती है। और भाई को मैंने भी इंसिस्ट किया था कि भाई वो लोकेशन मुझे जरूर देखनी है, वहां पे फील करना है, क्योंकि मैं वीडियोस इतने देख चुका था। यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अगली बार आएंगे तो प्रेजेंस फील नहीं होगी। हाँ वो तो कुछ भी नहीं, हम आ सकते हैं अगली बार में। अभी हम जैसे कि कुछ एडवांस गैजेट खरीदने वाले हैं, लाइक कुछ कैमरे लेंगे, थर्मल कैमरा हो गया, SLS कैमरा हो गया, इस टाइप के कैमरे हो गए,
अगर हम उनका यूज करेंगे तो वो लेके हम यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल, तो एक ठोस एविडेंस वो कैप्चर कर सकता है, तो उसको लेके हम जरूर आएंगे यहाँ पे। मतलब वही है, जब तक कुछ ऐसा हार्ड ठोस ऐसा कुछ नहीं आ जाता है कि भाई, तब तक तो करते रहेंगे यहाँ पे। और वैसे भी हम यहाँ पे आ रहे हैं तो जगह को हॉन्टेड ना कहा जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम यहाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ ना कुछ फील करके जा रहे हैं, लेकिन वो हॉन्टेड का नहीं है ना। और यहाँ रोड पे काफी एक्सीडेंट्स हुए पता है, और जनरली हर एक्सीडेंट में गाड़ी खत्म हो जाती है पूरी की पूरी, बंदे को आज तक इधर ही गाड़ियां सारी जो मेन रोड नहीं है, मेन रोड जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, तो वहां पे एक्सीडेंट्स होते हैं ना जितने भी, वहां पे गाड़ियों की कंडीशन ऐसी होती है कि बंदा शायद खत्म हो चुका होगा उसके अंदर, और किसी को भी चोट क्या मतलब जरा भी मतलब खरोंच तक नहीं आती और गाड़ी खत्म, गाड़ी खत्म हो जाती है। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से भाई, चलते हैं भाई, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और रास्ता दिखाने हैं वापस जाने का, क्या चलते हैं सीधे ना? क्या दिखाना, तो अभी के लिए टाटा सी यू, बाय बाय। रास्ता वैसे भी दिखाई चुके हैं, हाँ दिखा चुके हैं आने का। ओके, जय हिंद, जय भारत।